विजन एम्स प्रेजेंट्स कौन बनेगा मेयर शो में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज कौन बनेगा मेयर शो में बेहद खास बातचीत हम करने वाले हैं, क्योंकि अगस्त में अजमेर के अंदर नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं और नगर निगम चुनाव के सरगर्मियां दिल्ली चुनाव के नतीजों के साथ साथ तेज हो गई है, क्योंकि अब अजमेर के अंदर एक नया राजनीतिक दल, नई पहली बार अजमेर के अंदर निगम का चुनाव टारगेट करेगा। इसीलिए कौन बनेगा मेयर शो के सवारी के ऊपर इस वक्त आम आदमी पार्टी की नेता कीर्ति पाठक हमारे साथ में हैं, उनसे बातचीत करेंगे और नगर निगम चुनाव को किस तरीके से टारगेट किया जाएगा, कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, क्या उनकी रणनीति होने वाली है, क्या वाकई संगठन ना होते हुए भी अजमेर के अंदर निगम का चुनाव पार्टी लड़ पाएगी, ऐसे तमाम सवाल हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएँ लोगों को भी हैं। अजमेर को नया नारा भी दिया है कि दिल्ली बदल दिया है अब अजमेर बदलेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो उन तमाम सवालों के जवाब आज हम लेने की कोशिश करेंगे, उन सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसलिए कौन बनेगा मेयर शो के सवारी पर मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। आप सवारी को शहर में लेके चलिए आप, और जानने की हम कोशिश भी करेंगे। सबसे पहले तो दिल्ली में आप काम करके आई चुनाव के अंदर जी, दिल्ली और अजमेर बहुत बड़ा अंतर है, इस बार अजमेर के अंदर क्या देख रही हैं, किस तरीके का नगर निगम का चुनाव जो है वो लड़ने का फैसला हो चुका है, लड़ा जाएगा? बिल्कुल लड़ा जाएगा। ये राजस्थान आम आदमी पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि इस बार अजमेर नगर निगम के चुनाव जोधपुर उदयपुर के साथ साथ यहाँ पे भी लड़ेंगे, यहाँ पर भी लड़े जाएंगे। कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको आपने ध्यान में रख लिया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो बहुत सारे मुद्दे आपने सोचे, एमसीडी में भी आप दिल्ली में लड़े लेकिन वहाँ सफलता नहीं मिली, संगठन आपका अजमेर में है नहीं, क्या सोचकर कैसे लड़ने के लिए आपने सोचा? संगठन बन जाएगा, संगठन बन ही रहा है, उसके साथ में हम लोग बेसिकली अभी क्या कर रहे हैं, कुछ एक 4-5 वार्ड्स को अपना रोल मॉडल बना रहे हैं। 4-5 वार्ड में हमारी गतिविधियां चालू हो गई हैं, वहां पर चेहरे हमने तलाश लिए हैं और वो चेहरे अब अपना काम शुरू कर देंगे। बेसिकली यही है कि शुरू के अंदर उस चेहरे के साथ में 10 चेहरे जो गतिविधियों को नोट कर सकें, क्या वहां पर कमियां हैं, हर एक एक वार्ड को टारगेट किया जाएगा, पूरे अजमेर को कुछ नहीं। अजमेर में यही बेसिकली गलत कुछ रहा है कि शायद अजमेर की जनता बहुत आराम से लेती है हर चीज़ को, अजमेर की जनता उनके लिए नेगेटिव तो मैं नहीं बोल रहा हूं, नहीं है सोता हुआ ही अन्ना आंदोलन भी आपने यहां पर खड़ा किया, राजस्थान में खड़ा किया, मैं बोलना नहीं चाह रही थी, सोता हुआ शहर है, लेकिन जब हम जैसे लोग कुलबुलाने लगे हैं तो नेचुरली लगता है कि शायद कुलबुलाहट बहुत सारे मनों में है, क्योंकि क्या होता है कि इट इज बेसिकली ये जो कुलबुलाहट है ये सब चीजें आती हैं, ये एक ऊपर ब्रह्मांडीय शक्ति है जो सबको करती है, अगर मेरे अंदर है तो वो आपके अंदर है तो दूसरों के अंदर भी है, तो वही चीज शायद अजमेर अब कुलबुला रहा है। स्मार्ट सिटी का नारा दिया गया है कि स्मार्ट सिटी कब से बन रही थी, स्मार्ट सिटी अभी तक स्मार्ट सिटी बन नहीं पाई, हम शायद आना सागर के चारों ओर चल रहे हैं, सिर्फ आना सागर के चारों ओर ये पाथवे बना देना स्मार्ट सिटी नहीं होता। अच्छा, ये पाथवे एक बार फिर दिखा दीजिए, नीरज जैन हमारे साथ में बैठे थे, उन्होंने कहा कांग्रेस के नेताओं के साथ कि देखिए स्मार्ट सिटी से तस्वीर शहर की बदल रही है, बाकी बदल तो रही है मैडम तस्वीर, आप यहाँ पर आ जाएंगी इसके साथ, कैमरा उधर भी घुमा लीजिए, ट्रैफिक कैसा चल रहा है, रोड के नीचे भी देख लीजिए, ऊबड़ खाबड़ रोड है, ठीक, और ये आप देख लीजिए यहाँ पर ये स्मार्ट सिटी है जहाँ पर अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं, इधर निगाह नहीं गई नीरज भाई की, ये स्मार्ट सिटी क्या है कि हम विकास का वो निरंतर दिखाएं, सिर्फ इससे विकास नहीं हो जाता, मैं ये नहीं कह रही, बहुत ही बढ़िया काम है इस बोर्ड ने, बहुत बढ़िया काम किया है चारों तरफ, कम से कम इससे एक चीज तो है कि फर्दर अतिक्रमण होने में नहीं होगा, ये चीज बहुत पॉजिटिव है ये, और बहुत अच्छा है कि सरकार ने इसको लिया, इस बोर्ड ने इसको लिया, लेकिन साथ में क्या है, स्मार्ट सिटी में सिर्फ आना सागर इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो ट्रैफिक है, यहाँ के जो अतिक्रमण या जो भी दुकानों की व्यवस्थाएं हैं उनको सुधारना जरूरी है। स्मार्ट सिटी के अंदर हमने अभी तक ये जो ठेले वाले हैं इनको कोई जगह सुनिश्चित नहीं करी, नॉन वेंडिंग जोन्स हमने बनाए हैं,
लेकिन जो हम भारत की तस्वीर देखें तो भारत में गरीब तबका बहुत है, गरीब तबके को कमाकर खाना होता है, और अभी तक हम शिक्षा का प्रचार और प्रसार नहीं कर पाए हैं जो दिल्ली सरकार ने किया है। हम एक सरकारी स्कूल में बहुत बढ़िया विश्व स्तरीय शिक्षा नहीं दे पाए हैं, वो करना ज़रूरी है, तभी जा कर के कुछ होगा। चलिए हमारे उसमें नहीं आएगा, नगर निगम के उसके अंदर, लेकिन क्या है उसके लिए हमें गरीबों का वो करना पड़ेगा कि उनको जीविकोपार्जन के लिए हम क्या कर पाएंगे। यहाँ पर हमारा ये मेन वो रहेगा कि किसी भी वार्ड के अंदर, हम वार्ड के अंदर ही वहाँ पर एक बड़ा सारा मार्केट प्लेस बनाना चाहेंगे, चाहे वो मल्टी स्टोरी हो, छोटा सा हो, मल्टी स्टोरी हो। मास्टर प्लान आप लोगों ने रेडी कर लिया है, बस अब तैयारी आप कर रहे हैं कि बस चुनाव नजदीक आए, लोग आए, लड़े चुनाव, वोट बने, आम आदमी पार्टी का कुछ पार्षद आए। वो भी है, वोट बनने के लिए लड़ रहे हैं हम, सिर्फ कुछ पार्षद लाने के लिए नहीं। कोशिश हमेशा, जब तक बड़े सपने नहीं देखेंगे उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मार्केट प्लेस डेवलप करना है, हर गरीब आदमी को जो अच्छी तरह से अपनी वो कमाना चाहता है उसको हम वो जगह, वो साधन उपलब्ध कराएं, यहाँ से अतिक्रमण हटवाएं, किसी को भी काम के बिना नहीं रखें, हम किसी को उठाकर उजाड़ नहीं दें उसको। ये स्मार्ट सिटी होगी हमारी, ये स्मार्ट सिटी होगी कि हर जना कमाई का साधन होगा, और जो लोग कारों में बैठ कर के वहीं पर अपनी वो रोक कर और खाना पीना या खरीदना चाहते हैं उसको हम डिसवेट करेंगे। ऐसे ही लोग जब विदेश यात्राओं पे जाते हैं तो क्या वे किसी भी दुकान के सामने कार खड़ी करके खरीदने चले जाते हैं? सामान नहीं, वहाँ फॉलो करते हैं। तो इन चीज़ों को हमें फॉलो करना सीखना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी जब आएगी नगर निगम के अंदर, हम इन व्यवस्थाओं का पहले ध्यान, ऐसी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाएगा। एमटीवी इंडिया पर अजमेर में पहली बार नगर निगम चुनाव किस तरीके से आम आदमी पार्टी टारगेट करेगी, क्या उनकी रणनीति होगी, कौन कौन सी योजनाओं पर काम किया जाएगा, जो मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, पार्षद चुनाव को किस तरीके से टैग किया जाएगा, वो पहली बार किसी डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बताया जा रहा है। और एमटीवी इंडिया पर आपको ये जानकारी आज हम देने वाले हैं कौन बनेगा मेयर शो के जरिए। अच्छा मैडम एक बात और बताइए, पार्टी का संगठन है नहीं, लोग मुझे नज़र आए नहीं, क्योंकि एमसीडी में भी बहुत बुरे नतीजे दिल्ली के अंदर आए थे, सरकार हालांकि आपकी बन गई है, कांग्रेस और बीजेपी जैसे राजनीतिक दल मजबूत, एक एक की सरकार है, एक केंद्र में सरकार है, उनसे टक्कर कैसे लोगे आप लोग? यहाँ पर कैसे संगठन मजबूत होगा, कैसे लोग आएंगे आपके पास? कहीं की सरकार से हमें कोई मतलब नहीं, दिल्ली में भी हमारी सरकार है, और सबसे बड़ी बात हमारी पार्टी कितनी पुरानी है। क्या इन जगहों पर संगठन, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के संगठन क्या एक दो साल में बन चुके थे पूरे? मैं नहीं मानती, क्योंकि हम सबने देखा है 70 साल से कुछ भी नहीं है। आज भी कहने को ऐसा कोई संगठन खड़ा हुआ नहीं है इन लोगों का। जब भी चुनाव आते हैं संगठन खड़ा करने की कोशिशें चालू हो जाती हैं, वार्ड अध्यक्ष बना दिए, रह गए, चलते हैं, कोई ऐसा नहीं। तो वही आम आदमी पार्टी भी अभी करेगी, अपने वार्ड अध्यक्ष बनाएंगे हम धीरे धीरे, और हर बार नीचे से ऊपर तक जाना ही तो है। अच्छा फिर आप बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक क्या किया है आप मुझे वो बता दीजिए, कि इन लोगों के कारण अजमेर में डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट दिखा दीजिए, बेसिक्स तक प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं ये। आज किसी भी आदमी के पास रोजगार का साधन है क्या? जब चाहे कोई भी सड़क के किनारे अपनी वो थड़ी लगा करके बैठ करके, क्या ये होता है रोजगार का साधन उपलब्ध कराना? ये इन लोगों की ड्यूटीज थी, 70 साल में ये लोग नहीं कर पाए, तो इन चीजों को समझना होगा। तो अब आम आदमी पार्टी आएगी तो जितने भी ठेले वाले हैं इनका कुछ भला होने वाला है? भला ही होगा, रोड साइड अतिक्रमण तो नहीं होगा। और ये चीजें होंगी समझाइश से, किसी भी तरीके से दबाव की राजनीति करने का मूड नहीं है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि आम आदमी पार्टी आम आदमियों के लिए बनी है, आम आदमियों से बनी है, तो दबाव नहीं, हर एक को समझा बुझा करके किसी भी उनको स्थानांतरित करने की कोशिश है। ये आप अतिक्रमण देख रहे हैं, ये जो दुकानें हैं, ये दुकानें कहाँ हैं? अंदर तक, और ये दुकानें बाहर खींच करके ये लोग आगे कंस्ट्रक्शन करते जाते हैं। यहाँ समझाइश काम करें कि जो है हद उस तक रहें, और ये सबसे मिलकर के ही संभव होगा। अच्छा मैडम आप कह तो रही हैं, विजन तो आप बता रही हैं, लेकिन अभी साधारण सभा अजमेर में हुई, निगम के अधिकारी कर्मचारी इतने कामचोर और ऐसे अधिकारी हैं कि एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ कि अजमेर के अंदर शादी समारोह स्थलों से 19 लाख रुपये वसूले गए, और इन्हीं ठेले वालों से
36 लाख रुपए वसूले गए। ऐसे में इन अधिकारी कर्मचारी काम ये करते नहीं है, वसूली करते नहीं है। नगर निगम जो है टैक्स का कलेक्शन बहुत सारा होता है पैसा। अगर मान लीजिए आपका पार्टी के कुछ लोग आ भी गए, कहाँ से काम करा पाएंगे और इन कर्मचारियों से कैसे काम करवा पाएंगे? कर्मचारी भी अपने लोग हैं, काम तो करवाएंगे। सबसे पहले तो मैं वो बात पूछना चाहती हूँ, आप बोल रहे हैं कि ठेले वालों से 36 लाख रुपए लिए, आप सोचते हैं सिर्फ 36 लाख नहीं होंगे? ठेले वाले बेचारे तो हफ्ता भी देते हैं, तो उससे सोचिए इन्होंने कितने पैसे दिए होंगे, 36 लाख नहीं। और आप क्या सोचते हैं शादी समारोह स्थल ने सिर्फ उतने ही लाख दिए होंगे? उनसे वैसे वसूले गए होंगे, वो अवैध वसूली वो करी होगी। तो ये लोग पे तो खूब करते हैं, गलत काम अगर करते हैं, आम आदमी पार्टी इसे ही सोचती है कि उनको देना ही ना पड़े। वो अगर सही ढंग से, हम यही समझाइश करेंगे कि आप अगर सही ढंग से अपना काम शुरू रखते हैं, चालू रखते हैं, आपको किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे नगर निगम को, जैसा एक वो चंद्रेश सांखला जी ने बोला, नरक निगम नहीं रहेगा। अच्छा, नरक निगम और चंद्रेश सांखला की बात जब आ चुकी है तो मैडम लिफाफे का बड़ा जिक्र हो रहा है, लिफाफे का मामला हुआ सदरजोवा में, दोनों दिन उठा। देखिए आपको भी इसमें उन्होंने उठाया, हमने सुना और देखा। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। ये इन लोगों के आपस की बात है, हम सभा में होंगे, हम सदन में होंगे तो वो आपस की बात, फिर हमें समझ में आएगी कि सच्चाई क्या है। तो अभी आरोप लगाना आम आदमी पार्टी का काम नहीं है। ये जो हो रहा है ये जनता भी देख रही है और सब आपस में। आपने नीरज भाई की नहीं सुनी कि मैंने नहीं लिया, इसका मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली माना कि बटे वो, देखिए उन्होंने माना, पर हम कौन? जिन्होंने लिए वो जाने, जिन्होंने नहीं लिए वो जाने, जिन्होंने बांटे वो जाने, ये उनकी बात है। लेकिन हर जना चटकारे लेकर की सुन और देख तो रहा ही है, देख तो रहा ही है। अच्छा, तो आपको भी लगता है कि अजमेर नगर निगम में वाकई भ्रष्टाचार तो है, क्योंकि अधिकारी अवैध वसूली कर रहे हैं और कई पार्षदों के तो ऐसे जिक्र भी आए कि वो तो ठेले वालों से भी हफ्ता वसूली करते हैं, ऐसा कहा गया, सुना है मैंने भी। मेरा भी कोई आरोप नहीं है कि हमने भी कोई कैमरे को तो भी रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं। आप मानती हैं कि वाकई अजमेर नगर निगम में भ्रष्टाचार है? हाँ, नगर निगम में भ्रष्टाचार तो है। देखिए भ्रष्टाचार पैसों के अलावा और चीज़ों का भी होता है। आप अगर काम नहीं कर रहे, आदमी बार बार चक्कर काट रहा है, वो भी भ्रष्टाचार है। आम आदमी पार्टी इससे भी मुक्ति दिलाएगी, हमारे पास वो रोड मैप भी है कि हम किस प्रकार से चक्कर काटने से मुक्ति दिलाएंगे, वो वाला भ्रष्टाचार, क्योंकि नेक नियत से काम करेगी आम आदमी पार्टी। हमारा एक नारा जो आपने बताया ना, अब दिल्ली बदली है, अब अजमेर बदलेंगे, उसमें एक नेक नियत का नारा भी हमारा था कि हम नेक नियत से काम करें और वो काम दिखेगा। और अगर हमने अपना बोर्ड नहीं बनाया तो जो कुछ होंगे हमारे वो ऐसा काम करके दिखाएंगे कि अगली बार लोगों को समझ में आएगा कि किस प्रकार से टारगेट करेंगे हम। अच्छा, मतलब आप वार्ड को, वार्ड जो जिन वार्डों में अगर आप जीत गए मान लीजिए, तो आप वार्ड्स को रोल मॉडल बनाना चाहते हैं? यही रोल मॉडल बनाएंगे और हम उससे पहले ही रोल मॉडल दिखा देंगे आपको, इलेक्शन से पहले ही करके। वो कैसे होगा? देखते जाइए, अब हर चीज तो इधर बता नहीं दूंगी ना। चलिए ठीक है, देखते जाइए, इंतजार सबको है, हमें भी इंतजार है कि इस तरीके से दिल्ली वाली राजनीति अजमेर में शुरू होने वाली है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express, near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer. Mobile repairing or accessories ki duniya mein teji se ubharta naam. MD Mobile, Station Road, Ajmer. Contact 811-44-82312. Break ke baad, ek baar phir aapka bahut-bahut swagat hai. Kaun banega mayor show mein? और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, किस तरीके से आम आदमी पार्टी अजमेर नगर निगम चुनाव को टारगेट करेगी। हम जिस सड़क से हम अभी आ रहे हैं, आप जिक्र कर रहे थे कि आपने कोई मास्टर प्लान तैयार किया है, रोल मॉडल बनाने की बात हुई है। सड़कें बड़ी खुद जाती हैं, वार्ड के पार्षदों को पता ही नहीं होता है निगम से मंजूरी कब ली होती है, ठेकेदार ने खोदना शुरू कर देता है। क्या मास्टर प्लान बनाया आप लोगों ने? पता तो सब होता है, बार बार सड़कें खुदती रहती, क्योंकि खुद का, जनता के टैक्स का पैसा है ना, खुद का पैसा नहीं, तो ये वही है। अब इस बार जब होगा तो हम लोगों ने ये टारगेट किया है कि एक बार अगर सड़क खुद रही है तो बाकी सारे डिपार्टमेंट से भी वो आपस में कोऑर्डिनेट कर लें कि सड़क खुदनी अगर है
तभी, और वो साइड के अंदर एक साथ सारा काम निपट जाए। और उसके बाद में जैसे हम लोग को पता होता है कि एक सबसे बड़ी बात, हम आंसरेबल बने लोग, हमें आंसरेबल बनाना है लोगों को कि अगर सड़क खुदती है वो सड़क वापस जब तक ठीक नहीं होती, अगर किसी ने भी वो फोटो खींच करके दे दी तो जो भी वहां का इंस्पेक्टर होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जो पार्षद होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी कि आपने इस सड़क को खुदी हुई कैसे छुड़वा दी। जवाबदेही तय करने के बाद जवाबदेही तय, जवाबदेही तय कर, बिल्कुल जवाबदेही तय। अच्छा, जीत का, जीत के बाद आपके कार्यकर्ताओं को कुछ आंकड़ा आया कि आम आदमी पार्टी से जीत के बाद 24 घंटे में 11 लाख लोग राष्ट्रीय स्तर पे जुट गए हैं। अजमेर में भी लोग जुड़ रहे हैं क्या आप लोगों से? हाँ, अजमेर में भी लगातार रोज नए लोगों की का साथ मिल रहा है हमारे। तो नगर निगम चुनाव की घोषणा की वजह से जुड़ रहे हैं, स्वार्थी लोग भी तो आ सकते हैं, कांग्रेस और बीजेपी से भी तो लोग आ सकते हैं, टिकट नहीं देंगे। क्यों नहीं आएंगे? देखिए, कई लोग, आप ये नहीं बोल सकते कि कांग्रेस या बीजेपी में अच्छे लोग नहीं हैं। कई लोग जो कसमसा रहे होंगे और काम करना चाहते होंगे और इधर काम नहीं कर पा रहे होंगे तो वो लोग जरूर आएंगे और ऐसे लोग चिन्हित किए जाएंगे। देखिए, अजमेर बहुत छोटा शहर है, अगर आप अच्छे हैं और बुरे हैं हर जन आपके बारे में जानता है, तो कहीं ना कहीं से फीडबैक्स तो आएंगे ही आएंगे, तो ऐसे लोगों को भी ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन पार्टी किसी भी तरीके से अस्पृश्य किसी को नहीं मानेगी, हर जने का स्वागत है इसके अंदर। ये जरूर है कि टिकट किसको मिलेगा, हम हर व्यक्ति जो डिजर्विंग होगा उसको टिकट देंगे। बहुत शुरू से मैं सबको एक बात बोल रही हूँ कि अगर आपको टिकट नहीं मिला तो ये मत मानिए कि आपके खिलाफ है कोई, हम खिलाफ नहीं है। हो सकता है पार्टी को आपसे ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट दिख रहा हो और उसे मिल जाए और आपको और दूसरा काम करने का मौका मिल जाए। काम करने का मौका हर जगह है, सिर्फ पार्षद हो जाना काम करने का वो नहीं है। पार्षद की जवाबदेही भी तय करने के लिए हमें लोकल लोग चाहिए होंगे, हमें वार्ड अध्यक्ष चाहिए होंगे, हमें नागरिक सतर्कता समिति चाहिए होगी, उन सब में हमारे लोग होंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी जनरेट करेंगे इसके साथ में? वो सब होगा। आप देखिएगा, हमारा जो प्लान है वो बहुत ही सटीक ढंग से इस चीज को टारगेट करना है। अजमेर, क्योंकि मैं खुद अजमेर की बेटी हूँ, तो अजमेर की बेटी का जो दर्द है वो मैं सोचती हूँ हम सभी का दर्द होगा, आपका होगा, इसका होगा, मेरा, सबका होगा। तो हम वो जो दर्द है ना, उस दर्द से अब सॉल्यूशंस निकालेंगे, जो हम बचपन से सोचते आए हैं हमारा अजमेर ऐसा होना चाहिए, अब वो करेंगे। यहाँ पर पैसा कमाने नहीं, सेवा करने का जज्बा। अच्छा मैडम, एक बात और बताइए, क्योंकि जब आप जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के लोगों का भी स्वागत है, अभी तमाम ऐसे पार्षद हैं जिनके ऊपर गंभीर गंभीर आरोप सदन में भी लग रहे हैं, सदन के बाहर भी लग रहे हैं, ऐसे लोग आपकी पार्टी से चाहेंगे कि उनको टिकट मिले, वो चुनाव दोबारा से लड़ें, और वही लोगों को अगर आप टिकट दे देंगे, आपकी पार्टी में शामिल कर लेंगे, कैसे, क्या आपकी पार्टी में आने के बाद वो पक साफ हो जाएगा? नहीं, हम गंगा जल नहीं ये तो बीजेपी ही और कांग्रेस में जाकर के लोग साफ होते हैं। हमारे यहाँ तो व्यक्ति अगर अच्छा है तभी चल पाएगा। हमारी जो नीतियाँ हैं वो ऐसी हैं कि जो गलत आदमी होगा वो टिक ही नहीं पाएगा हमारी पार्टी में, क्योंकि उसको बार बार जवाब देने पड़ेंगे और बार बार विभिन्न परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। हम ऐसे ही कुंदन नहीं बनाएंगे किसी को, कुंदन तबके ही बनेगा। अच्छा, पार्षद किसी को बनना है, आपकी पार्टी से लड़ना है किसी को, उसको करना क्या होगा? क्योंकि देखने जब दर्शक देखेंगे तो उनकी जिज्ञासा यही है कि आखिर कैसे हम निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी के जरिए उम्मीदवारी कर पाएंगे, दावेदारी कर पाएंगे। सबसे पहले उन्हें जुड़ना है, जुड़ करके अपने अपने वार्ड की जिम्मेदारी लेनी है और जो काम उन्हें बताया जाएगा वो उन्हें करना है। अगर वो खरे उतरे, हम जिसको भी साथ में जोड़ रहे हैं, हम किसी को टिकट का लालच देके नहीं जोड़ रहे, हम किसी को टिकट का प्रॉमिस करके नहीं जुड़वा रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी अपनी, मतलब अरविंद केजरीवाल ने जो एक लेवल सेट कर दिया है, उस लेवल से नीचे गिरने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो आम आदमी पार्टी उस लेवल पर रहेगी, नो प्रॉमिसेस, नो फॉल्स प्रॉमिसेस, कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ सत्य बताया जाएगा कि आपको जोड़ा जा रहा है, टिकट का प्रॉमिस नहीं है। लेकिन हाँ, आप डिजर्विंग होंगे तो आपके उसमें कोई रोड़ा नहीं अटकाया जाएगा, जो डिजर्विंग होगा उसको टिकट। केजरीवाल के लेवल की जब बात आई है तो कई लोग सोशल मीडिया पे मुफ्त गोरी कह रहे हैं। आपके भी मास्टर रिस्मा जो प्लान आप बना रहे हैं निगम चुनाव को लेकर, वहाँ पे भी कुछ मुफ्त गोरी जैसी बातें होंगी शायद उसके अंदर? सबसे पहले तो मैं मुफ्त गोरी ही समझा दूँ आपको,
देखिए, जब आदमी जन्म लेता है, जब हम बच्चे होते हैं और पहला इंजेक्शन लगता है उसमें टैक्स होता है, ठीक है, और जब हम मरते हैं तो जो कफन खरीदा जाता है ना उसमें भी टैक्स होता है। तो पैदा होने से लेकर मरण तक हर आम आदमी, यहाँ तक कि भिखारी भी टैक्स दे रहा होता है, तो टैक्स सबका है। जब वो टैक्स का पैसा, अभी तक क्या हो रहा था, 70 साल से विभिन्न नेताओं की जेबों में जा रहा था। जब वो नेताओं को मुफ्त का मकान मिलता है, मुफ्त की बिजली मिलती है, मुफ्त के फोन मिलते हैं, मुफ्त के ट्रैवल मिलते हैं, तब वो मुफ्त नहीं है। जब आम जनता अपने टैक्स के पैसे को थोड़ा सा वापस ले लेती है, थोड़ा सा, उनके मुकाबले तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा वापस लेती है, तो वो मुफ्तखोरी कहलाती है। आम जनता मुफ्तखोर है और जो नेता है वो मुफ्तखोर नहीं है, जो जेबों में हाथ डाल करके टल्ले वो। आयुष्मान योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, आयुष्मान योजना जो है, आयुष्मान योजना में कुछ वर्ग के लिए फ्री है, हाँ, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो स्वास्थ्य वाली योजना अपनी दे रही है वो सबके लिए फ्री है। और सबसे बड़ी बात, एक फरिश्ता योजना, फरिश्ता योजना तो आम आदमी पार्टी स्वयं चलाना चाहेगी, शायद हमारे पास वो पैसा वो नहीं होगा जो वो लोग कर रहे हैं वहाँ पर, दिल्ली सरकार है क्योंकि वो कर सकते हैं, नगर निगम में ऐसी कोई योजना हो सकती है मैं नहीं सोचती, लेकिन हाँ हम कुछ सरकारी और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हाथ जोड़ के निवेदन ज़रूर करेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट होता है तो वो वाली फरिश्ता योजना पार्टी ज़रूर लागू करना चाहेगी। कि आजकल हम देखते हैं अगर किसी का एक्सीडेंट होता है दूसरा भाग जाता है कि नहीं भाई मैं क्यों पचड़े में पड़ूँ या मेरा कुछ, आप लेकर के जाइए, उनका साधारण इलाज तो करवा दीजिए, आगे की चीज़ें सरकारी अस्पताल में हो जाएगी। तो हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे और शायद मैं सोचती हूँ मानवीयता इतनी तो है लोगों में कि वो करेंगे उसको लागू। तो देखिए एक एक कदम चलेंगे, देखते हैं आगे कहाँ तक मंजिल है। अगर नगर निगम के चुनाव में कौन कौन से ऐसे मोटे मोटे मुद्दे हैं ध्यान में रखते हुए आप वार्ड में चुनाव टारगेट करने वाले हैं, अजमेर में निगम चुनाव? सबसे पहले तो गंदगी की समस्या, एक वो डोर टू डोर कचरा उठ रहा है लेकिन गंदगी आपको चारों तरफ देखने को मिल रही है। हम किसी एक पर आरोप ना लगाएं, हम खुद भी आरोपित हैं, नागरिक भी आरोपित हैं, ये समझाइश का दौर रहेगा और ये हमारे जो कार्यकर्ता होंगे वार्ड के जिनको हम लोग खड़ा करेंगे ये वो करेंगे, हर के आगे हाथ जोड़कर आंटी ऐसे नहीं, अंकल ऐसे नहीं, हमें ध्यान रखना, ये हमारा अजमेर है, इस भावना को विकसित करना होगा। आज तक नालियाँ वगैरह ढंग से बनी नहीं है कई जगह में, कई जगह जो कच्ची बस्तियां हैं वहां पर हम कच्ची बस्तियों को डेवलप करना चाहेंगे क्योंकि उनको वहीं पर से बीमारी शुरू होती है, वो बेचारे क्यों बीमार रहे। तो सबसे निम्नतम वर्ग जो है उसको भी टारगेट किया जाएगा क्योंकि वो भी स्मार्ट सिटी के वासी हैं, उनको सड़क नाली बेसिक्स, क्योंकि अभी तक बेसिक्स भी मुहैया नहीं है, तो आम आदमी पार्टी बेसिक्स से चलती हुई ऊपर तक जाएगी और हर चीज़ को टारगेट करेगी जो नगर निगम के उसके अंदर आता है। अच्छा, मैंने ये देखा स्मार्ट सिटी के तहत अजमेर के गार्डनों के अंदर बहुत काम हुआ, लेकिन अजमेर शहर के सभी वार्डों में गार्डन नहीं है। आम आदमी पार्टी सोचती है कि केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं को अगर निगम चुनाव टारगेट करती है तो उनका लाभ उठाना चाहिए। बिल्कुल, क्यों नहीं उठाना चाहिए, केंद्र सरकार जो है वो भी तो हमारी ही चुनी हुई सरकार है, हम तो किसी भी प्रकार से अस्पृश्यता रखेंगे ही नहीं किसी के साथ, जब मांगना होगा तो हम राज्य सरकार से भी मांगेंगे और केंद्र सरकार से भी मांगेंगे क्योंकि वो हमारे टैक्स का ही पैसा है और मांगना हमारा वो है और मेरे ख्याल से देना उनकी भी ज़रूरत है, उनको भी देना ही चाहिए। जिस वार्ड के अंदर जगह मिल गई वहाँ पर डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया पार्क विकसित किया जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि अजमेर में हरियाली की कमी है, जैसे NGOs वगैरह से लेकर के काम तो हो रहा है लेकिन वो वाले जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा टिक नहीं रहे हैं। कोशिश ये रहेगी कि जो हमारा सो कॉल्ड डाउनटाउन एरिया है, जैसे हमारा नया बाज़ार है, ये वाले एरियाज़ में भी हम चाहेंगे कि हम वहाँ पर भी पेड़ लगाएं, ड्रिलिंग करा करके, और हर एक जैसे अपनी जो एक एक दुकान है उन सबको वो दिया जाए कि एक इसकी जिम्मेवारी आपकी है। तो नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में शायद ये आता है, तो हरियाला अजमेर हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हरियाली, हरियाला अजमेर की जब बात आप कर रहे हैं, जिस सड़क पे हम चल रहे हैं, ये सड़क पे जो व्यापारी हैं वो बहुत दुखी हैं निगम से,
मैक्सिमम इमारतें जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बने हैं इनको किसी को सीज कर दिया गया है, किसी को नोटिस जारी कर दिया है। कई व्यापारी भी ऐसे हैं जो बेसमेंट्स की जगह को बेच देते हैं जो पार्किंग की जगह होते हैं, घरों के नक्शे निगम से पास नहीं होते हैं। इन सब तमाम समस्याओं से कैसे निपटेंगे अजमेर के व्यापारी को आम आदमी पार्टी कैसे राहत दे पाएगी? इसको स्टडी करना पड़ेगा कि राहत की उम्मीद वो किस बेसिस पर करेंगे हमसे। क्या वो अपना टैक्स पूरा भरते हैं? अगर वो टैक्स पूरा भरेंगे तो डेफिनेटली उनके तरफ हम लोग अच्छे नज़र से देखेंगे। सबसे पहले तो हम हाउस टैक्स है, व्यावसायिक टैक्स है, उनकी फाइल्स को स्टडी करेंगे और सबसे वो लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अजमेर मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा एक वो है कि अजमेर के नगर निगम को तो बहुत ज़्यादा रिच होना चाहिए, ठीक है? तो ये देखते हैं। अजमेर के व्यापारी वर्ग से भी वही है कि हम लोग पार्किंग की स्पेसेस उनसे चाहेंगे, अजमेर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। और व्यापारी वर्ग को राहत तो बिल्कुल दी जाएगी, क्योंकि निगम से सबसे ज्यादा परेशान घर बनाने वाले और व्यावसायिक इमारतें खड़े करने वाले डेफिनेटली उनकी तरफ सहानुभूति पूर्वक देखा जाएगा और उनकी समस्याओं को सुना जाएगा और निदान जरूर किया जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि हम लोग दृढ़ संकल्पित लोग हैं, हम सब कुछ पॉजिटिव करेंगे, सब कुछ सकारात्मक होने वाला है। आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति निगम चुनाव को लेकर रहने वाली है ये हमने जानने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि आपको उन तमाम सवालों के जवाब इस इंटरव्यू में ज़रूर मिले होंगे, कौन बनेगा मेयर को में ज़रूर मिले होंगे, जिसका इंतज़ार आपको था कि आम आदमी पार्टी आखिरकार कैसे अजमेर नगर निगम में चुनाव को लड़ने वाली है। चलिए, तीन दलों में टक्कर देखने को मिल सकती है, उम्मीद अब ऐसी की या बनती है कि कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी तीनों में टक्कर अजमेर नगर निगम चुनाव में देखने को मिलेगी। कौन बनेगा मेयर शो में आपके वार्ड में आने वाले हैं, आपके वार्ड की समस्याओं को जानने वाले हैं और आपके वार्ड पार्षद को लेकर आएंगे, उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी कौन बनेगा मेयर शो के रिक्शे पर ही बैठी जाएगी। इंतजार कीजिए, आज के लिए केवल इतना ही। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड अजमेर, कॉन्टैक्ट 8114-82312। चिकन सुपर एक्सप्रेस, डिलीशियस चिकन ऑन योर डोर, ऑर्डर ऑन जोमैटो एंड स्विगी एंड गेट 50% डिस्काउंट। चिकन सुपर एक्सप्रेस नियर यादव कॉम्प्लेक्स, वैशाली नगर, अजमेर।